हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाइस आज मैं अपने इस वीडियो में राइजिंग क्रिकेटर पवन देशपांडे के बारे में बात करेंगे, तो आप सब प्लीज़ बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। पवन एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। पवन देशपांडे का जन्म 16 सितंबर 1989 को हुआ था। पवन का पूरा नाम पवन उदय देशपांडे है। पवन एक ऑलराउंडर है। पवन देशपांडे का बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड और बॉलिंग में वे राइट आर्म हाफ ब्रेक गेंदबाज हैं। पवन देशपांडे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जो कर्नाटक के लिए खेलते हैं। पवन 2016-2017 रणजी ट्रॉफी सीजन में अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। गाइस इतना ही नहीं, फरवरी 2017 में पवन अपने लिस्ट ए क्रिकेट करियर की शुरुआत किया था। पवन देशपांडे ने पहली बार घरेलू T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। पवन देशपांडे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2017-2018 सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। उसके बाद विजय हजार ट्रॉफी में भी योगदान दिया था। पवन देशपांडे को IPL फ्रेंचाइजी टीम RCB ने साल 2018 IPL सीजन 11 में 20 लाख रुपये में खरीदा था। पवन देशपांडे धारवाड़ कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक के दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों जैसे राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और भी दिग्गज क्रिकेटरों के नाम से क्रिकेट जगत में फेमस हैं। गाइस हम आपको बता दें, पवन देशपांडे साल 2018 सीजन 11 से लेकर IPL 2020 सीजन 13 में एक बार फिर से RCB टीम का हिस्सा है। गाइस देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले IPL सीजन 13 के मैचों में पवन देशपांडे कैसे छाप छोड़ते हैं। गाइस आपको क्या लगता है, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।